बुराड़ी गांव में माहौल क्या है जानने के लिए मैं आया हूं। यहां पर गांव के लोग हैं, किसान भी हैं दिल्ली के, और देखिए ये भी एक ताश का फड़ था, यहाँ भी लोग ताश खेल रहे थे। सबसे अच्छा टाइम पास जाड़े के दिनों में, वैसे गर्मी में भी गांव के लोगों का ताश खेलने का रहता है। तो मैं आया हूँ जानने के लिए कि देश में इस वक्त सियासी माहौल जो चल रहा है उस पर गांव में क्या चर्चा है। गांव में क्या चर्चा है जी, गांव में तो यही है, अपने आम आदमी का था ये पीछे, हाँ। बदल गया, बीजेपी का आ गया काउंसलर। हाँ जी, यहाँ से बीजेपी का काउंसलर जीता है। हाँ जी, और ये राहुल गांधी की पद यात्रा का भी कोई चर्चा जी? उसकी पद यात्रा क्या है, वो तो वैसे ही अपने धक्के खाता फिर रहा है, धक्के खाता फिर रहा गली गली में। तो आप बताइए ताऊ, बोलिए माहौल क्या है आजकल? माहौल तो यहाँ तो मोदी का ही है, यहाँ नहीं है, 24 में भी वही है, 24 में भी मोदी है, बाकी कांग्रेस का नहीं। और इसका मसला क्या है, मतलब किस वजह से आपको ऐसा लगता है? ऐसा लगता क्या है, एक तो ये है कि जनता में कांग्रेस ने अपना विश्वास खो दिया। किस वजह से? कुछ घरेलू से, कुछ वैसे अच्छे लोगों को मिला नहीं। अब आपने देखा पहले वो अध्यादेश ही फाड़ दिया, क्या है वो, अगर उसी वक्त मनमोहन सिंह जी इस्तीफा दे देते तो आज कोई और आता ही नहीं। ये बताऊं मैं आपको, लोग ऐसे थोड़ी कोई, तो क्यों ऐसे उस। और ये मोदी का अच्छा होने का या आपको लगने का क्या कारण है, क्या किया उनने? देखो सबसे बड़ी बात ये है मोदी का, एक तो उसका भाग्य तेज है, भाग्य भी तेज है, एक तो यही समझ लो। दूसरा ये है कि वो जो काम कर रहा है वो बड़े हिसाब से कर रहा है, ईमानदारी आई है। देखो अब उत्तर प्रदेश में सारा जितना वो था सब खत्म हो गया, बदमाशी, ये कौन करेगा? ये बीजेपी की तो मेहरबानी है, नहीं तो कौन करता है? यहाँ भी कोई ऐसी बात नहीं है जो जो उन्होंने किसानों का उसमें जो भी है, ये जरूर है थोड़ी महंगाई है उसकी वजह से भी लोग थोड़े वो है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है, महंगाई है तो सारी है वर्ल्ड वाइड है। केजरीवाल को लेकर? केजरीवाल कुछ नहीं है, केजरीवाल क्या करेगा? आपके गांव में नहीं, दिल्ली में तो है ही ना, दिल्ली में सही है, दिल्ली का क्या है, दिल्ली में कहां कहां के लोग बसे हुए हैं, दिल्ली को कौन? अरे तो भाई जो चुनाव जीतेगा ताऊ, तो वो वोट से जीतेगा, इतनी सीट विधायक, इतनी सीट है, अभी 134 ली है, 104 बीजेपी को मिली है, ली है उसने, कोई मना थोड़ी कर रहा है, लेकिन अब जो है आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा ऐसा। हाजी 2-3 साल के अंदर मैं बता रहा हूँ आपसे, मोदी तो मोदी है, मोदी की आप तुलना किसी से भी मत कीजिए, वो तो विदेश नीति सबसे अच्छी और सबसे अच्छा उसका व्यवहार है। विदेश नीति में क्या बहुत अच्छी, क्या क्या का सारी नीति बढ़िया है उसकी, आप बताइए क्या विदेश नीति में क्या आपको पता चला? विदेश में इतना नाम है उसका क्यों हुआ? अरे विदेश नीति आपने कहा तो इसलिए मैंने पूछा कि यही नाम होना ही विदेश नीति है। नहीं नाम होना नहीं, काम करना। क्या जैसे? काम जैसे हमारे पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते में उनकी विदेश नीति में आपको क्या अच्छा लगा? ना वो तो सब कुछ सही है पहले से, क्या अच्छा लगा ये बताओ। अच्छा लग रहा है, अच्छा है, अच्छा ये लगा कि आतंकवाद को धीरे धीरे खत्म कर देगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा आने वाले भविष्य में आतंकवाद, 2-4 साल और चलेगा। चाइना के साथ हमारे रिश्ते, चाइना से तो रिश्ते हमारे कभी अच्छे नहीं रहे, ना रहे। अब हम एक दूसरे गांव